हेलो फ्रेंड्स, मैं आजकल जैन दृष्टि आईएएस पीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने रिसेंटली एक 10 मिनट सीरीज ऑफ मेंस टॉपिक करके प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन्स के टॉपिक हैं उनको कवर करते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। क्या कुछ है इस टॉपिक में विस्तार से जानेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक। दोस्तों, हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश में दशकों से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, ठीक है। 50 साल पुराना ये विवाद था दोनों ही राज्यों में। आप देख सकते हैं, ये हैं असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा जी, और ये हैं पेमा खांडू जी, जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। दोनों ही लोगों के द्वारा जो 50 साल पुराना एक इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट था, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद था, उसको अभी हाल ही में सुलझा लिया गया है। एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर एक हस्ताक्षर किया गया है। दोस्तों, ये जो समझौता हुआ, ये समझौता हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी के प्रेजेंस में हुआ, ठीक है। इस पर काफी डिटेल डिस्कशन किया गया, और उसके बाद दोनों ही पक्षों में सहमति बनी, और दोनों ही पक्षों ने सहमति से इस समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम असम और अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। दोस्तों, ये है असम, पूरा का पूरा ये असम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से असम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है एक दूसरे से, ठीक है, और लगभग लगभग यहाँ तक ये बॉर्डर लगता है, ठीक है। अगर हम इस पूरे जो बॉर्डर लगता है, इसकी अगर लेंथ की बात करें, तो लगभग ये 804 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो दोनों स्टेट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो काफी सारे डिस्प्यूट है, ठीक है। आखिर ये डिस्प्यूट किस किस चीज को लेकर था, आइए हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, यह सीमा विवाद दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों को लेकर था, ठीक है। 123 गांव दोनों ही राज्यों में, जो इस पूरे के पूरे बॉर्डर में आते हैं, ठीक है, उन पर विवाद बना हुआ था। जो ये 123 गांव है, 123 विलेजेस है, अरुणाचल प्रदेश के 12 राज्यों में, 12 जिलों में सॉरी, और असम के 8 जिलों में स्थित हैं। इस समझौते के तहत दोनों राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हुई है कि भविष्य में इस विवाद में इन 123 गांवों के अलावा कोई भी नया क्षेत्र या नया गांव शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब दो तरह से समझौता हुआ है। पहला तो ये कि अब कोई भी नया विवाद किसी भी नए क्षेत्र को लेकर नहीं खड़ा किया जाएगा, और दूसरा है कि इन 123 गांवों में जो भी इनके ऊपर डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जाएगा, ठीक है। जो एमओयू साइन किया हुआ है दोस्तों, इसमें से 34 गांव, 34 के विवाद का समाधान पहले ही कर लिया गया था। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी निकल कर आई है, दैट इज नामसाई घोषणा पत्र, नामसाई डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन दोस्तों जुलाई 2022 में साइन किया गया था। इस डिक्लेरेशन के माध्यम से लगभग 37 विलेजेस को, 37 गांव का विवादों का समाधान दोनों ही राज्यों ने कर लिया था। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो नामसाई डिक्लेरेशन है, ऐसे कीवर्ड यूपीएससी को बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। वो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन बनाता है, तो इसलिए इस नमसाई जो डिक्लेरेशन है उसको डिटेल में जानना बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा इसका एक नोट भी आपको बनाकर रख लेना चाहिए, क्या पता इसी साल इस पर एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो क्या है ये नमसाई घोषणा पत्र, नमसाई डिक्लेरेशन क्या है, आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज नमसाई डिक्लेरेशन? द नमसाई डिक्लेरेशन विच एम्स टू रिड्यूस इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट अफेक्टिंग 123 विलेजेस, ठीक है, वॉज रिसेंटली साइंड बाय द असम चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है, एंड हिज अरुणाचल प्रदेश काउंटर पार्ट पेमा खांडू जी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम और असम के सीएम के द्वारा, दोनों के द्वारा ये डिक्लेरेशन साइन किया गया है, जिसमें जो विवादित 123 विलेजेस हैं उनके ऊपर सहमति बनी है कि उस विवाद को हमें कैसे आपस में सुलझाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे कि अंतरराज्य सीमा विवादों का क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट आता है इन अंतरराज्य सीमा विवादों का, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट जो होते हैं उनके क्या क्या असर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है, विवादित क्षेत्रों में समृद्धि और विकास में कमी आती है, लैक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं विकास जो है प्रभावित होता है यदि आपस में डिस्प्यूट चल रहा हो दो राज्यों के बीच में। इसके अलावा जो सोशल हार्मोनी है, सामाजिक सद्भाव दोस्तों, वो बिगड़ जाता है। दोनों ही एरियाओं का जो जो समाज होता है उनमें आपसी रिश्तों में खटास आती है, ठीक है, और नकारात्मकता उनके अंदर पनपती है। अगला देखेंगे, इसके कारण विस्थापन, संपत्ति की क्षति आदि के साथ साथ लोगों को कई तरह की परेशानियों
का सामना भी करना पड़ता है, ह्यूमन सफरिंग होती है। इसलिए जो भी इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको जल्द से जल्द क्या होना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। विवादों में शामिल राज्यों के बीच में अक्सर तनावपूर्ण संबंध देखने को मिलते हैं। दो स्टेट में, न सिर्फ स्टेट के लोगों में बल्कि दो स्टेट में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण संबंध देखने को मिलते हैं। इससे और चीजें तो होती हैं, सो होती हैं, कल्चरल जो 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 हार्मोनी है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। इसके अलावा ट्रेड सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। इसके अलावा अलगाववादी प्रवृत्तियां और समूहों का उदय देखने को मिलता है या उन्हें बढ़ावा मिलता है। ठीक है, देखिए सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, ठीक है, इमर्ज होकर आते हैं जब ऐसे डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं शहद मिलती है सरकार के द्वारा, ठीक है, कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के यहाँ शांति फैलाने के लिए, ठीक है, उनको उकसाती है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, वो जो ग्रुप्स हैं सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, वो कहीं ना कहीं दोनों ही स्टेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दोनों ही स्टेट के लिए वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या उपाय होने चाहिए, अब हम उपाय के बारे में जानेंगे कि कैसे हमें ये बॉर्डर डिस्प्यूट जल्द से जल्द सुलझा लेने चाहिए, क्या क्या वो उपाय हैं हमारे संविधान में, या फिर कौन कौन से वो उपाय हैं जिनके द्वारा न्यायिक निवारण, जुडिशियल रिड्रेसल, दोस्तों इसके द्वारा हम बहुत जल्द इस इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझा सकते हैं। ठीक है, आरंभिक अधिकारता, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वह इंटरवीन करके इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को समय रहते और इनके बीच में, मतलब दोनों स्टेट के बीच में समझौता कराए। ठीक है, इसमें भारत सरकार और एक राज्य से अधिक राज्यों के बीच में यदि विवाद होता है तो, इसके अलावा एक तरफ भारत सरकार होती है और एक तरफ दूसरा राज्य होता है, या फिर आपस में दो स्टेट अगर विवाद, दो स्टेटों के बीच में विवाद होता है तो वो इसमें इंटरफेयर करके इनको सुलझा सकता है। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल, दोस्तों आर्टिकल 263 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो एक इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप कर सकते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 263 राष्ट्रपति को, ठीक है, जो एक चर्चा का मंच होता है किसके बीच, केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, क्या कुछ कार्य होते हैं इसके, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जांच करना, उन्हें सलाह देना, ठीक है, कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ एक से अधिक राज्यों के साझा हित से संबंधित विषयों की जांच करना, ठीक है, जो भी साझा हित है उनके बारे में जांच वगैरह करना, ठीक है, और समन्वय के लिए सिफारिश करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए सिफारिश करना। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय परिषद है, जोनल काउंसिल की व्यवस्था की गई है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित यह वैधानिक निकाय है। इनका उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना है। तो ये जो ये कुछ मेथड दिए हुए हैं दोस्तों, इन मेथड के द्वारा हम इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को जल्द से जल्द सुलझा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में कौन कौन से राज्य हैं जिनके बीच इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी है, एक है एक्टिव कैटेगरी और एक है डोरमेंट कैटेगरी। ठीक है, जो डार्क कलर से है वो है डोरमेंट कैटेगरी, जैसे कि हरियाणा और पंजाब अभी चंडीगढ़ को लेकर इनमें काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन अभी ये डोरमेंट पोजीशन में है। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, और कर्नाटका और केरल के बीच में कासरगोड को लेकर विवाद है। लेकिन जो एक्टिव हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों के बीच में सरयू सीमा को लेकर विवाद है, लेह मनाली राजमार्ग के पास, ठीक है, जो ये सीमा है उसको लेकर दोनों ही राज्यों में इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बात करें अगेन, तो पंचकूला के पास परवाड़ू क्षेत्र जो है, परमाणु रीजन जो है, उसको लेकर आपस में विवाद है, विवाद की स्थिति बनी हुई है। गुजरात और राजस्थान के बीच में भी मानगढ़ पहाड़ी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है, हालांकि अभी सुसुप्त अवस्था में है वो, ठीक है, अभी ये डोरमेंट नेचर में है। ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, अतीत में दोनों के बीच मुख्य भूमि सीमाओं को लेकर विवाद रहा था, इनके बीच बंगाल की खाड़ी में अवस्थित, ठीक है, कनिका सैंड, ठीक है, कनिका सैंड द्वीप को लेकर विवाद की स्थिति रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनिका सैंड द्वीप को लेकर विवाद की स्थिति आपस में रही है। तो ये कुछ सीमा विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट हैं जो जो अभी भारतीय राज्यों के बीच में चल रहे हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द इनको सुलझा लेना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, बिटवीन अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में ये रिजॉल्व हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, हमारी जो आई एस पी सी एस अकेडमी है ये आगरा में है। ठीक है, ये हमारे गिविन नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल करके जो भी कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। ये हमारे यहाँ भी एक फाउंडेशन बैच, ठीक है, फॉर 12th पास स्टूडेंट्स, और एक हमारे यहाँ एडवांस बैच जिसे हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच के नाम से जानते हैं,
बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। आप इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं हमारे जो गिविन नंबर हैं उन पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें सजेशन दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।